la 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 hey, 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 hey. एक्सक्यूज मी जी, क्या आप जानते हैं कि वो खूबसूरत सी टीचर जी? I mean, वो मैडम प्रिंसिपल का ऑफिस का है वो उस तरफ है थैंक यू कमाल है आज ही बात करने वाली प्लीज फॉलो अप या आई विल स्पीक टू कल तो मुझे छोड़ के चले गए मेरा फोन भी किया मैडम जय मेहता जो आपसे कल मिलने आए थे ओह हेलो मिस्टर जय मेहता हेलो तो आज अपना चेक लेकर आए हैं हाँ ऑफ कोर्स आपका चेक थैंक यू आप बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं आप भी बोल सकती हैं, सुन सकती हैं। तो जय तुम्हें क्या लगा या बच्चों के साथ सारा स्कूल सुन बोल नहीं सकता होता है मेरे को भी कई बार लोग बेरा और गूंगा समझते हैं थैंक यू फॉर योर चेक लेकिन मैं आप लोगों को ये रुपए नहीं देना चाहता What's the problem? मेरा मतलब है सिर्फ ये रुपए नहीं मैं पूरा शो स्पॉन्सर करना चाहता That's great. लेकिन मेरी एक शर्त है शर्त हाँ शो में मैं आप लोगों के साथ हाथ बटाना चाहता Wonderful. नहीं आप ये नहीं कर पाएंगे मेरा मतलब है कि आप क्या करेंगे क्यों मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुर्सियाँ साफ कर सकता हूँ कीले ठोक सकता हूँ आपको देख सकता हूँ जी मेरा मतलब है कि आप सुन सकती हैं बोल सकती हैं मैं देख सकता हूँ और इन बच्चों की भी देखभाल तो ओह खुदाई फैंटास्टिक मिस्टर जॉय मेहता यू आर ग्रेट प्लीज डू जॉइन अस थैंक यू मिस्टर जॉय मेहता आपका चेक थैंक यू डिक्टर थैंक यू मैं सिर्फ मैं अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं आपको फॉलो कर रहा हूँ मेरा मतलब है विद लाइफ ये आपका काम नहीं है आप नीचे आ जाइए प्लीज टिया जी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब काम जय आप ठीक तो हैं हाँ बच गया ये रेत ने बचा लिया Sorry.
आपने कहा नीचे आने को तो शॉर्टकट ले लिया। आइसक्रीम तुम्हारी पसंद। आपने कैसे जाना? जब कोई किसी के करीब होता है ना, अरे लो ना, तो उसकी पसंद नापसंद सब पता चल जाता है, राइट? यू नो जय, मैंने सोचा था कि एक स्पॉन्सर से यस सर नो सर फॉर्मली बात करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो तुम तुम ए इट्स मेल्टिंग। हाँ तो तुम तो तुम तो इतनी जल्दी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो कि बिल्कुल पराए नहीं लगते। टिया इंटर गोल्ड योर वन ऑफ माय कंपनीज, कम ऑन ओपन इट। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद है? और स्पॉन्सर साहब चाहते हैं कि मैं इसे अपने शो में पहनूं। अरे नहीं नहीं दरअसल बात नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड सर, बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना खूबसूरत हार पहनने का मौका मिलेगा। थैंक्स। ओह नो। संभाल के टिया। हाँ स्टॉप इट जय, क्या कर रहे हो? उफो यादें समेट रहा, एक दिन बाकी है शो के लिए, उसके बाद तो उसके बाद इट विल ऑल बी ओवर, यू नो नर्वसनेस टेंशन सब कुछ, और हमारा रिश्ता भी। जय रिश्ते बनते हैं खत्म नहीं होते। ओए संभाल के ध्यान से। अरे अनीता तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ देखते रहोगे या उससे कुछ कहोगे भी? अरे पागल हो गई हो, मैं तो बस यूं ही। क्या कह रहा है तो बोल दो। वैसे यू नो व्हाट, आई थिंक इवन शी इज इंटरेस्टेड। थिंक सो? या रियली? यस। ओह यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक्स। हाँ कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। Idiot. जय लेकिन पहले आई लव यू तो बोलना पड़ेगा। ओह मर गए मर गए। हे जय किससे बात कर रहे हो? नहीं बस That was a great show. Thanks. चलो अच्छा तुम यही मिल गए, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक्स करना चाहती थी, आखिर तुम्हारी वजह से तो चैरिटी शो कामयाब हुआ ना। अरे नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ पैसे ही लगाए। पैसे ही क्यों, दिल भी तो लगाया ना तुमने शो में। एक्चुअली सच कहा तुमने, अच्छा तुम भी यही मिल गई क्योंकि मुझे भी हाँ कहो ना क्या बात है। कह दो कह दो। ओके सरप्राइज्ड, बस इतना ही सीखा है मैंने तुम्हारे लिए। एक्चुअली टिया पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम मैं पूरी दुनिया को घुमाऊं टिया, लेकिन कभी किसी चेहरे ने मेरे दिल में घर नहीं बनाया। आई लव यू टिया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे। आई लव यू टिया, आई रियली डू। टिया मेरी जिया, आ गया तेरा पिया राज। हे
इंतजार के लिए खेद है, लेकिन क्या करूं, मेरा ये प्लेन फिर धोखा देगा रास्ते में। वैसे तुम यहाँ बाहर ना बंदा ना बंदे की जात, शो का टाइम चेंज हो गया क्या? शो खत्म हो चुका है राज, चले। लगता है आज बहुत मार पड़ेगी। हाँ चलो चलो। टिया जी, आपके इस प्रोग्राम का रीटेलीकास्ट कब होगा? आफ्टर ऑल हमें आपका प्रोग्राम देखना तो पड़ेगा ना। फिलहाल आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बंदा टेक ऑफ के लिए तैयार है। राज। बोली रे बोली। लगता है आइसक्रीम का जादू चल गया। जी प्यार करते हो मुझसे? प्यार? एक्चुअली टेढ़ा सवाल है। बोलो ना। टिया, हम 4 साल से जानते हैं एक दूसरे को। हमारी पहली मुलाकात में ही मुझे एक अपनापन सा लगा था। फिर 24 घंटे एक ही सूरत मेरी आंखों के सामने रहती है। अब मैं बिजी रहूं, दूर रहूं, तुम हमेशा मेरे पास हो। अब तो जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी। दरअसल मेरा मतलब यह है कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूं तुम्हारे साथ। फिर एक दिन इसी तरह इसी बेंच पर तुम्हारी गोद में लेटकर आइसक्रीम खाना चाहता हूं। क्या इसे प्यार कहते हैं? फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी प्रॉब्लम है क्या? बोलो ना राज। देखो टिया, शादी तो हम दोनों करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ शादी करेगा कौन राज? हेलो, आप कौन? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूं। टिया, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो, कौन है? तुम्हारा दोस्त जय। टिया, टिया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जय, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो फोन पर ही। नहीं टिया, पर्सनल बात करनी थी। आई एम सॉरी जय, मैं नहीं आ पाऊंगी। सिर्फ सिर्फ एक बार, याद है तुमने कहा था कि रिश्ते शुरू होते हैं खत्म नहीं, फिर किसी भी रिश्ते से आ जाना। आज 5 बजे कैफे बिस्तरों, मैं इंतजार करूंगा। आओगी ना? टिया, हाय। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या बात है जय, आज तुम्हारे होटल के इस रेस्टोरेंट में कोई आएगा भी? इट्स बुक्ड ओनली फॉर यू। आइसक्रीम तुम्हारी पसंद। टिया, शो खत्म हो जाने के बाद तुम्हारा साथ नहीं रहा तो ऐसे लगने लगा जैसे कि जिंदगी खाली हो गई हो। जय, तुम जानते हो कि मैं... हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ टिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है।
और दुनिया के सारे MDs, CEOs, VIP बिजनेसमैन मेरे साथ उठने बैठने के लिए तरसते हैं और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं टिया। जय, बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास सारी दुनिया पड़ी है, फिर तुम मेरी छोटी सी दुनिया को अपना बिजनेस क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं टिया और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। 4 दिन की जान पहचान को तुम रिश्ते में नहीं बदल सकते जय। क्यों नहीं? तुम दिल का रिश्ता जो मेरे साथ जोड़ना चाहते हो, वो दिल का रिश्ता तो राज के साथ जुड़ चुका है, इसलिए तुम दोबारा मुझे लेकिन टिया, अगर तुम चाहो तो आप भी। एक्सक्यूज मी, अगर तुमने मुझे आज यहाँ अपने प्रपोजल का जवाब सुनने के लिए बुलाया है तो मेरा जवाब है नहीं मिस्टर जय मेहता। थैंक यू वेरी मच, मुझे देर हो रही है। आइए पधारिए लेट लतीफ साहब। जी मैं? जी आप कौन है? साहब ने फूल और एनवेलप आपके लिए भेजा है। अच्छा? और जवाब भी मांगा है। ओ, अब चाय मारे नवाब साहब। हैप्पी बर्थडे टिया, ये फूल इस बात के गवाह है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। इस शहर की धूल मिट्टी और पोल्यूशन से तुम्हारी खूबसूरती मुरझा सकती है। ये चाबी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी गाड़ी की है, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारा जय। ये लो और जाके दे देना। किन साहब ने तो राज को कहना मैं अभी आई। राज अभी नहीं आया माँ, वो किसी ने गलती से घंटी। तुम फिर आ गए? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बार बार चलाता हूँ डांट खाने, क्या करूँ? पर ये फूल तुम्हें कहाँ से मिले? कुदरत ने दिए। कुदरत ने? हाँ, हवा पानी मिट्टी खाकर बड़े हुए हैं तो कुदरत ने ही तो दिए हैं। पर ये तुम्हें कहाँ से मिले? वो बाहर मिले, बड़े अच्छे लगे, सोचा तुम्हारे लिए ले चलता हूँ। अच्छे नहीं लगे? तुम्हें फूल तक लाने। सुनो टिया, आज भी लेट हो गए। कैसे हो? बहुत बुरा है। फूल तो बहुत अच्छे हैं। दूसरों के फूल उठा लाया है, अपने फूल तक लाने याद नहीं। तुम्हारे प्यार में सब भूल जाता हूँ ना। आना क्यों नहीं भूल जाते? मेरे घर का पता मुझे क्यों नहीं भूल जाते? आना तो मैं भूल गया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा लाइसेंस यहाँ रह गया। नुक्कड़ में पुलिस वाले को देखा तो याद आया, कहाँ है मेरा लाइसेंस, कहाँ है? यानी कि इसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं माँ। ओ माय गॉड, आज तुम्हारा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। वैसे इसीलिए तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो पहली बार। माँ देखो ना इसे। टिया प्लीज, तुझे तो मालूम है राज कितना मस्करा है। जब तक तुझे सता नहीं लेता उसका खाना हजम नहीं होता। क्यों सताया तुमने उसे? ऐसे आज तो छोड़ दिया होता ना, उसका बर्थडे है, जाओ जाके मनाओ उसे। दो मिनट माँ। जाओ। ए, बहुत सुंदर लग रही हो आज, सच। हैप्पी बर्थडे। वैसे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर माँ, मैं सोच रहा था कि इस साल टिया को कुछ देने के बजाय ले ही जाता हूँ शादी करके, कैसी रही? हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा है कि तुम दोनों अब शादी कर लो। लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर ऑल यही हंसी मजाक तो जिंदगी है ना। तो बाकी की बातें भी तय कर लेते हैं। बाकी की बातें? जी वो मेरा अपना तो कोई है नहीं, तो दहेज वगैरह की बात तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। दहेज? जी देखो राज, तुम तो जानते हो कि मेरा जो कुछ भी है सब टिया का है, फिर भी तुम बोलो और क्या चाहते हो? सोच लो मैं एक बार। राज तुम ये? हाँ सोच लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम माँ, मुझे दहेज में माँ चाहिए, फिर से अनाथ नहीं होना चाहता मैं। लेकिन बेटे के घर माँ नहीं रहती बेटा। बेटे के घर तो रहती है ना।
मुंह से बेटा मत बोल माँ, दिल से मान ले। हाँ कि तो ना माँ। प्लीज आज मुझे सब कुछ मिल गया माँ, सब कुछ। Love you, Raj. आजकल गर्लफ्रेंड को सेवन स्टार में खाना खिलाओ तो बोलती है आई लव यू। वेरी गुड, आ गया सेवन स्टार। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको ना राज। चलो उतरो, चलो उतरो। यहाँ? और नहीं तो कहाँ? पर तुमने तो कहा था कि वो सेवन स्टार, तो सेवन स्टार को सेवन स्टार ही खाना। टिया जी, जगह चाहे छोटी ही हो, दिल बड़ा होना चाहिए। खाना चाहे कैसा भी हो, भूख लगी होनी चाहिए। तुम्हें भूख लगी है? चलो फिर। वेरी गुड। सलाम साहब, आइए सर। आज कुछ स्पेशल कर दे यार। जी सर। आज हमारी टिया जी का बर्थडे। हो जाएगा साहब। प्लीज आइए मैडम, आइए बैठिए। अभी आया सर। थैंक यू। कैसी लगी है जगह? स्माइल यार। ये पेड़ वेड़ क्यों रख दिया यार? जी वो आज मैडम का बर्थडे है ना सर। हाँ बर्थडे तो है। What a pleasant surprise. Yeah, really pleasant, na? तुमने देहा का नक्शा ही बदल दिया। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? हाँ हो गया आप तो, कोई बात नहीं, चलता है अपना ही ढाबा है। Wow, ये इतना बड़ा केक मेरे लिए? केक हमारा नहीं है। ओ भाई साहब, केक तो ले जाइए, केक हमारा नहीं है। मजाक मत करो राज, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। Excuse me, यहाँ पर किसी लड़की का नाम टिया है? मैम आपका है? नहीं, मेरे ख्याल से टिया सिर्फ तुम्हारे ही नाम है। स्ट्रेंज ना? तो केक काटे? हाँ, नहीं, वो पहले वो विश मांगते ना कुछ आंख बंद करके। डू दैट। गुड आइडिया। मांग लिया। राज तुम ये कुछ नहीं, तुम केक काटो ना। Happy birthday, Tia. Happy birthday to Tia. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. ये लो। Happy birthday, ma'am. Thank you. ये केक कहाँ ले जा रहे हो? खाना लगा देता हूँ ना सर। खाना क्या करना है? हमारा पेट तो केक खाकर भर जाएगा। ऊपर वाली मंजिल मैं खा लूंगा, नीचे वाली मंजिल टिया खा लेगी। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। ओ राज, आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। भूलूंगा तो मैं भी नहीं, आफ्टर ऑल बर्तन, आई मीन खाना तो खाना है अभी। बेटा गुड फूड ना? या यस सर। वो बिल ले आना, बिल। आपका बिल पेड हो चुका है सर। पेड हो चुका? देखो यार, योर अरेंजमेंट वाज वेरी नाइस। थैंक यू, रियली नाइस, बट बिल दे दो यार प्लीज। सर मैंने आपसे कहा ना कि आपका बिल पेड। देखो भैया, मैं शक्ल से लुखा लगता हूँ पर हूँ मैं शरीफ आदमी। पैसे थोड़े बहुत कम भी हुए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मेरी घड़ी रख लेना। सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते। मजाक नहीं करता मैं कभी, मैं सीरियस आदमी हूँ यार। सर आप सीरियस आदमी है लेकिन मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपका बिल पेड हो चुका है। चलो फिर, थैंक यू यार, थैंक यू। कमाल है यार, ये बिल किसने दिया होगा? मैं जानती हूँ किसने दिया होगा। किसने? टिया। हाय, हैप्पी बर्थडे, मजा आया? जय, मैं तुमसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी तुम ये तो आप ही हैं जिन्होंने वो फूल केक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर,
डबल खुशी की बात यह है कि आपने हमारी शाम का रंग ही बदल दिया। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, टिया की जिंदगी में इतना बड़ा दिन और ये छोटी सी जगह, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके काबिल बना दे। मिस्टर जय मेहता, माना कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन किसी और को छोटा कहने का हक आपको नहीं है। टिया, आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेस्ट। किसने दिया आपको ये हक? हाँ, किसने? और मेरे राज को छोटा? टिया, 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 ये मुझे नहीं, ढाबे को छोटा कह रहे हैं। रिलैक्स। तुम समझ नहीं रहे हो राज, इसने हमारे स्कूल का शो स्पॉन्सर किया था, बल्कि अपनी तरफ से इसने मुझे प्रपोज भी, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। तब से ये मुझे इंप्रेस करने की और हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। टिया, हमारे बीच में गलतफहमी की जगह है क्या? जैसा, हमारी शादी नहीं हुई अब तक, लेकिन तलाक 20 बार हो चुका है। आप जरा सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी टिया है ही इतनी खूबसूरत। वैसे ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि टिया ने मुझे चाहा। वो क्या है ना जय साहब, दिल का रिश्ता जबरदस्ती से जोड़ा नहीं जाता, बस बन जाता है यूं ही अपने आप। हाँ, वो आपका आज शाम का बिल। नो थैंक्स, प्लीज प्लीज रख लीजिए, टिया की खुशी के लिए रख लीजिए। वैसे आपका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, वो खाना, खास करके म्यूजिक, वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू। आओ टिया, चलते हैं। देखा, ये है मेरा राज। वैसे अरेंजमेंट करने का इतना ही शौक है ना, तो अगले हफ्ते मैं शादी कर रही हूँ अपने राज के साथ।